राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल इन दिनों लगातार चर्चा का विषय बनी हुई हैं, लेकिन अब उन पर हमला करने वाले सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। जल्द ही स्वाति मालीवाल का हमलावर विभव जेल में होगा। चलिए आपको बता दें हैं ये पूरा मामला क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चेतना मंच और मैं हूं आपके साथ तनुश्री त्रिवेदी। दरअसल स्वाति मालीवाल के साथ उन्हीं की आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के बंगले में बेरहमी से उनके साथ मारपीट होती है। स्वाति मालीवाल को पीटने वाला कोई और नहीं बल्कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का पीए विभव कुमार है। दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि विभव कुमार को जल्द ही गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाएगा। स्वाति मालीवाल को पीटा क्यों गया ये बात अभी तक स्पष्ट नहीं हुई है। इसी बीच दिल्ली पुलिस ने अब विभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने स्वाति मालीवाल की एफआईआर दर्ज कर ली है। दिल्ली में दर्ज हुई इस एफआईआर में साफ जाहिर होता है कि राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल को बेहद बेरहमी से पीटा गया है। एफआईआर में स्वाति मालीवाल ने बताया कि मेरी तरफ से बिना किसी उकसाव के उसने मुझे थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। मैं चिल्लाती रही, उसने मुझे कम से कम 7 से 8 थप्पड़ मारे। मैं पूरी तरह से सदमे में थी और बार बार मदद के लिए चिल्ला रही थी। खुद को बचाने के लिए मैंने उसे अपने पैर से दूर ढकेला। इसी बीच वो फिर से मुझ पर झपटा और बेरहमी से मुझे पीटने लगा। मेरी शर्ट खींच दी, मेरी शर्ट का बटन खुल गया। उसने मेरा सर पकड़ा और टेबल पर मार दिया। मैं लगातार तब भी मदद के लिए चिल्लाती रही और उसे अपने पैर से दूर ढकेलती रही। उसके बावजूद विभव कुमार नहीं माना और अपने पैर से मेरे सीने पर, पेट पर और कमर के निचले हिस्से पर लात मारकर वो लगातार हमला करता रहा। मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और मैं उससे रुकने के लिए मिन्नतें कर रही थी। मेरी शर्ट निकलती जा रही थी, फिर भी उसने मुझ पर हमला करना नहीं बंद किया। मैं उससे लगातार ये कहती रही कि मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। हालांकि उसने बिल्कुल रहम नहीं किया और वो बार बार पूरी ताकत के साथ मुझ पर हमला करता रहा। मैं किसी तरह छूटकर भागी और फिर ड्राइंग रूम के सोफे पर जाके बैठ गई। हमले के दौरान ज़मीन पर गिरे मेरे चश्मे को उठाया। इस हमले के बाद मैं सदमे में आ गई। मुझे गहरा सदमा लगा और मैंने 112 पर कॉल करके घटना की सूचना दी। आपको बता दें, राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के मामले में दिल्ली पुलिस ने अब बड़ा एक्शन लिया है। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के पूर्व पीएस विभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। विभव कुमार से सिविल लाइंस थाने में पूछताछ की जा रही। आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से सीएम हाउस में मारपीट के मामले में आरोपी विभव कुमार को दिल्ली पुलिस ने अरविंद केजरीवाल के बंगले से ही गिरफ्तार किया है। उसे अब सिविल लाइंस थाने में पूछताछ की जा रही है। दिल्ली पुलिस विभव कुमार को दोपहर में 30,000 कोर्ट में पेश करेगी। धन्यवाद ऐसी तमाम जानकारियों के लिए। जुड़ रहे चेतना मंच के साथ।